हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैब में हैं और आज हमारा प्रोग्राम है मैसूर जाने का और 2 डेज ट्रिप है ये। तो मैसूर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे आज हमारे साथ नहीं रहेंगे और भी देखेंगे हम क्या क्या देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैसूर तक की जर्नी हमारी बैंगलोर से जो शुरू हुई है वो कैब से हमने करी। वैसे हम बस से भी जा सकते थे और इतना ही टाइम लगता, बट हमें रास्ते में काफ़ी जगह रुकते हुए जाना था, इसलिए हम कैब से ही प्रेफर कर रहे थे जाना। तो रास्ते में अब एक जगह आ गई है ऐसी जो कि काफ़ी खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है और वहाँ पर हम रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। और ये देखिए रेस्टोरेंट है ये, और काफ़ी सारी गाड़ियाँ वहाँ रुकी हुई हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स कि हमें वहाँ पे क्या मिला, हमारी फेवरेट प्लेस, एक नर्सरी वहाँ पर ही थी। उस रेस्टोरेंट के ही बाहर एक नर्सरी थी छोटी सी, और हम अपने मन को नहीं रोक पाए और वहाँ पर जाने से अपने आप को नहीं रोक सके, और हमने सबसे पहले कुछ भी खाने पीने से पहले नर्सरी में जाना पसंद किया। और हम घुस रहे हैं इस समय नर्सरी में, हमें देखना था वहाँ कौन से प्लांट्स हैं और उनके दाम क्या हैं। तो बस इतना ही हम देखना चाह रहे थे, हमें परचेज़ कुछ नहीं करना था क्योंकि अभी तो हम मैसूर के टूर पे हैं और 2-3 दिन का टूर है ये हमारा, फिर वापस बैंगलोर जाएंगे और फिर मैं काफ़ी अभी साउथ घूमना है। तो बस थोड़ा सा हम नर्सरी आपको दिखा रहे हैं। अब नर्सरी से हम बाहर आ गए और अब हम रेस्टोरेंट की ओर जा रहे हैं जहाँ पर हमें कुछ खाना पीना है। तो हमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया है और साथ में ऑर्डर किया है हमने कॉफ़ी। और ये रेस्टोरेंट मैं दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छा सा छोटा सा रेस्टोरेंट है, जैसे कि रोड साइड रेस्टोरेंट होते हैं हाईवेज पे, तो उनके हिसाब से काफ़ी अच्छा सा ही रेस्टोरेंट था। और वहाँ पे काफ़ी लोग थे जो अपनी गाड़ियों से ट्रेवल कर रहे थे, तो रुके हुए थे और सभी खा पी रहे थे। और मॉर्निंग में बैंगलोर से निकले थे, हमने कुछ खाया नहीं था, तो हमने वड़ा ऑर्डर किया यहाँ पर। तो हमारा वड़ा आ गया है, सांभर है और चटनी है। और हमने बस एक ही एक वड़ा ऑर्डर किया कि हम ज़्यादा पेट को भरना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि बहुत पेट भरा होता है तो नींद आती है। तो हमने साथ में ऑर्डर की कॉफ़ी। अब कॉफ़ी को किस तरह से पीना है इसके लिए हम थोड़ा सोच विचार कर रहे थे, क्योंकि ये तो खाली ग्लासेस आते हैं तो थोड़ा ठंडा करना होता है उनको। तो हमने आपस में डिस्कस किया कि कैसे करना है, क्या करना है। तो पहले तो मेरे हस्बैंड अभी वड़ा खा के बता रहे हैं कि कैसा है, तो मैंने पहले बोला कि आप खाइए और बताइए कैसा है, तो वो खा के मुझे बता रहे हैं। बहुत गर्म गर्म था तो मैं थोड़ा ठंडा करके ही खाती हूँ, तो उन्होंने पहले ही खाया और खा के बताया उन्होंने, नहीं काफ़ी टेस्टी है ये, खाओ, और बिल्कुल फ्रेश था। तो अभी बारी है कॉफ़ी की, और कॉफ़ी के बिना तो साउथ इंडिया का टूर बिल्कुल बेकार है। तो अभी ये कॉफ़ी देखिए कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, इसको किस तरह से ठंडा करते हैं, तो मैंने भी उन्हें बताया था करके पहले, मैं भी करूँगी अभी, दिखाऊँगी उनको कि कैसे करते हैं। तो वो ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, तो मैं बता रही हूँ किस तरह से थोड़ा ऊपर की तरफ उठा के करिए। तो इस तरह से कॉफ़ी में और भी झाग बनते हैं और बहुत टेस्टी हो जाती है। तो मुझे तो जब से मैं बेंगलोर आई हूँ तो मैं कॉफ़ी भी पी रही हूँ, और बाहर कहीं निकलते हैं हम तो ज़रूर कॉफ़ी पीते हैं। तो ये कॉफ़ी बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार हो गई थी, और हमें इस रेस्टोरेंट में खा के और कॉफ़ी पी के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा सा रेस्टोरेंट था, और उसके थोड़ी देर बाद ही मैसूर आ गया। मैसूर से बेंगलोर तक की का ट्रैवल 4 या 5 घंटे का है, और रास्ते में श्रीरंगपट्टन आता है और वहाँ भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी फ्रेंड्स, वो मैं बाद में बताऊँगी। अभी तो हम मैसूर आ चुके हैं और होटल आ गया है हमारा, ये होटल का नाम है रियो, और हम होटल में एंटर कर रहे हैं। और होटल कैसा था हमारा और वहाँ का स्टे कैसा था, कितना कंफर्टेबल रूम था, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमारा ट्रैवल यहीं तक करा हमने और एंड हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।